हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे फिश करी। और ये आप देख सकते हैं, ये कैट फिश है, मांगूर है। और इसको बनाने का तरीका चलिए सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में जो है तेल गरमाएंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें जो क्या करेंगे कि आप लोग एक एक पीस जो है छानना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे छानाता है फिश। तो गर्म तेल में क्या करेंगे कि ये डालेंगे, ये आप देख सकते हैं, ऐसे एक एक करके आप ये जो है एक एक करके इसमें डालेंगे। तो कुछ देर के लिए ठीक है, ये प्रक्रिया अपनाएंगे। एक तरफ का फ्राई हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे कि इसको दूसरे तरफ फ्राई होने के लिए इसको पलटेंगे। एक तरफ का फ्राई होने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे पलटा जाता है ताकि दूसरे तरफ भी जो है बढ़िया से जो है आपका ये फ्राई हो जाए। ठीक है, दूसरे तरफ फ्राई हो जाए। ठीक है, और ये देखिए दूसरे तरफ भी अगर ये छन जाए तो अब इसको बाहर निकाला जाता है। इसको ये छन गया है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद अगला पीस जो है फिर से इसमें उसी प्रक्रिया से डालेंगे। और ये इसी तरह जैसे, और ये देखिए हम लोग की मछली जो है पूरी तरह से फ्राई हो गई है। और चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस, आगे अब क्या करना है। अब ये जो तेल बचा है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लहसुन प्याज इन सब का जो है फ़ौरन डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, आदि डालेंगे। ये सब कटा हुआ, पीसा हुआ नहीं, कटा हुआ रहेगा। इसका जो है फ़ौरन डालेंगे और उसके बाद जो है इसको इसमें ऐसे चलाएंगे। और चलाने के बाद फिर फ़ौरन लाल होने के बाद, फ़ौरन जो डाले थे वो लाल होने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये मसाला लेंगे। इसमें जो है प्याज है, लहसुन है, इन सबको पीस कर बारीकी से, और इसमें जो है गरम मसाला जो है मिलाया गया है। ये 1 किलो मीट के लिए जो है, 1 किलो मछली के लिए अवेलेबल है। और अब क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे फ़ौरन को। फ़ौरन लाल होने के बाद मसाले को इसमें ऐसे डाला जाएगा और डालने के बाद इसको जो है चलाएंगे, मूव करेंगे, ऐसे मूव होगा। और चलाने के बाद जब ये जो आपका जो है लाल हो जाएगा तब इसमें जो है पानी भर, और इसमें मसाला भूनने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि पानी जो है मिलाएंगे, पानी ऐड करेंगे। जितना आप जो ग्रेवी रखना चाहते हैं, जूस रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि इसमें पानी को डालेंगे। और पानी को डालकर इसमें ऐसे घुमाएंगे थोड़ा, और फिर इसमें क्या करेंगे कि आप अब जो है वो नमक छोड़ेंगे। इसमें अपने स्वाद अनुसार जैसा जो खाता है उस अनुसार क्या करेंगे कि नमक जो है इसमें ऐड करेंगे। नमक जो है अपने स्वादानुसार जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद इसको फिर क्या करेंगे कि इसको जो है ढक देंगे। ढक कर इसको 20 मिनट तक पकाएंगे, 20 मिनट से आधे घंटे तक। चलिए देखते हैं कि हम लोगों का जो है पानी भरे थे तो तैयार हो गया है कि नहीं। तो अब इसको देखेंगे ऐसे हटा कर। और ये देखिए हम लोगों का जो है ग्रेवी जो है, जूस जो है तैयार हो चुका है। और इसमें जो है जो हम लोग मछली जो भूंजे थे, छाने थे, उसको इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे। चलिए डालते हैं, एक एक करके इसमें डालेंगे। देखिए एक एक करके इसमें सब छोड़ेंगे। और यहाँ से देखिए इसको चलाएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि चलाने से जो है आपकी मछली जो है टूट सकती है। तो ये जो है मछली अब तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो ये देखिए हम लोग की जो मछली है ये तैयार हो चुकी है। और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसके बाद ये अब उतार देंगे। ये हम लोग का जो है सर्व करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों।